हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सुरभी और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में, यानी आप सबके अपने चैनल में। तो आज मैं आपके लिए एक अच्छा सा वीडियो लेके आई हूँ, जो कि है रिव्यू और अनबॉक्सिंग का। तो यहाँ पर मैं आपके साथ अनबॉक्सिंग करने जा रही हूँ उषा स्मैश प्लस मिक्सर ग्राइंडर का, जो कि बहुत ही अच्छा मिक्सर ग्राइंडर है। तो उषा का तो नाम ही जैसे कि अपने आप में एक अच्छा ब्रांड है, तो इसका मैं आपके साथ अनबॉक्सिंग करने वाली हूँ और इसके फीचर्स वगैरह क्या हैं और किस तरह से इसका लुक वाइज है वो आपको शो करूँगी। और इस पर इस बॉक्स पर मेंशन है जैसे कि 750 वॉट की इसकी मोटर है और 5 ईयर की वारंटी और फ्री होम सर्विस है, जो कि इस पर मेंशन है। तो चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। तो ओपन करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल पर न्यू हूँ और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना और शेयर भी करना अपने फैमिली फ्रेंड्स में अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे। और मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहिए, मैं आपके लिए इसी तरह अच्छे अच्छे अनबॉक्सिंग और व्लॉग वीडियो लिख के आती रहती हूँ। तो चलिए इसको अब देख लेते हैं। ओपन मैंने कर लिया है इसको, ओपन आराम से निकाल लेती हूँ उसके प्रोडक्ट को। और बॉक्स के ऊपर सब कुछ मैंशन है हमारा, किस क्या क्या इसकी क्वालिटी है, कैसा है मतलब। और तो इस तरह से अच्छे से पैकिंग में है अंदर से भी। और इसकी मेन यूनिट यहाँ पर है, तो मेन यूनिट को निकाल लेती हूँ पहले बाहर। और ये साइड वाला जो बॉक्स है इसमें हमारे इसके जार्स हैं, तो इसको मैं बाहर निकाल लेती हूँ आपके सामने और फिर दिखाती हूँ मैं आपको ये किस तरह से दिख रहा है। और ये इसके अंदर इसका इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। तो सबसे पहले मैं आपको मेन यूनिट दिखा देती हूँ, तो इसको ओपन कर लेती हूँ। और इस मेन यूनिट पर भी इसकी ब्रांडिंग दी गई है, उषा स्मैश प्रो स्मैश प्लस। और लुक वाइज काफ़ी अच्छा लग रहा है, कॉम्पैक्ट सा है और काफ़ी अच्छा है। और इसमें यहाँ पर 4 स्पीड बटन दिए गए हैं, 0, 1, 2, 3, 4 तक हमारे पास स्पीड है इसमें, तो काफ़ी अच्छा है। इसमें लुक वाइज तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर नीचे इसमें ये इस तरह से दिए गए हैं बटन्स, ताकि एक ही जगह पे स्टडी रहे। और इसके यहाँ पर पूरा डिटेल मेंशन है, और ये तो था इसका मेन यूनिट। और अब मैं दिखा देती हूँ आपको इसके जार्स वगैरह, तो चलिए जार्स को भी ओपन कर लेते हैं। तो अब आपको इसके जार्स दिखा देती हूँ। तो इसके अंदर 3 जार हैं और लीड्स हैं। तो एक बड़ा जार है यानी कि हमारा मिक्सिंग जार, तो इसमें हम लिक्विड चीज़ें कर सकते हैं, जैसे हमें अगर जूस वगैरह बनाना है या लस्सी वगैरह बनानी है तो उसके लिए हम इसको यूज़ करेंगे। और 2 मीडियम साइज़ के जार है, एक छोटा एक बड़ा, एक चटनी जार और एक ग्राइंडिंग जार, जो कि हर नॉर्मल मिक्सिंग में होता है। तो इसमें 3 जार अच्छे हैं। और जो इसके ऊपर इस तरह से इसका लिड दे गया, तो ये बहुत अच्छा लग रहा है लुक वाइज, मुझे बहुत अच्छा लगा। इसका लिड ट्रांसपेरेंट लीड दिया गया है इसके साथ, एक बड़े वाले के साथ, और 2 छोटे वाले उनके साथ 2 छोटे लीड दिए गए हैं, जो ये काफ़ी अच्छा है। और इसमें इस तरह सिलिकॉन की रबर है अंदर से, ताकि ये अच्छे से फिक्स हो जाए, उसके बाद हम इसको चलाएंगे। तो ये आराम से इसमें अच्छे से फिक्स हो गया है। और ये 2 छोटे वाले जान हैं। तो ये है हमारे 3 जार, और इसके साथ हमें एक स्पैचुला दिया गया है और एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल दी गई है। तो ये था मैंने आपके साथ आज रिव्यू शेयर किया है। तो आप लोग बताना आपको कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना।